हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि है फली की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही जल्दी बन जाती है। और आज मैं जिस तरीके से बता रही हूँ ये जल्दी से बन जाती है फटाफट से, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने फली को वॉश करके एक प्रेशर कुकर में डाल दिया है, थोड़ा सा पानी और नमक डाल के, और इसे एक सीटी आने तक बस मैं इसे पकाऊंगी। और इसके बाद जब कुकर में सीटी आ जाए तो आपको प्रेशर इसका निकाल देना है। और उसके बाद मैंने एक पैन चढ़ाया, उसमें थोड़ा सा तेल डाला है और उसके बाद जीरा डाला है। जीरा जैसे ही पक जाएगा थोड़ा, तो मैं इसमें बारीक कटी हुई प्याज और मिर्ची डालूंगी। बहुत लोग पीस के भी प्याज डालते हैं, बट मैंने बताया आपको कि बहुत जल्दी सिंपल तरीके से आप इसे बना सकते हैं। तो मैंने भी इसमें प्याज को काट के ही डाला है। तो इसे अच्छे तरीके से पका लेना है प्याज को, और मैंने इसे ढक दिया है ताकि पक जाए अच्छे से प्याज। और इधर देख सकते हैं फली भी तैयार हो गई है। तो फली का छिलका उतारना रहता है, दोनों तरफ के रेसे निकालने रहते हैं। और फिर मैंने इसमें अदरक और लहसुन को कद्दूकस करके डाला है। मैंने इसका पेस्ट नहीं डाला है, अदरक और लहसुन को थोड़ा सा कद्दूकस करके डाल दिया है। बाकी मैं मसाले पाउडर जो बेसिक होते हैं बस उतना सा ही डालना है। हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर एक चम्मच, और ये वेजिटेबल मसाला है, बस इतना सा ही। बहुत ही कम मसाले में बनाना है इसे, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। स्पेशली रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है, रोटी के साथ, पराठे के साथ। और आप इसे लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं बच्चों के, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्टी सा बनता है। तो देख सकते हैं मैंने फली को छिलके इसमें डाल दिया पैन में, और मिला के हल्का गैस धीमा करके, और इसे ढक के पकने के लिए छोड़ दिया। जब तक ये धीमे आंच में पकेगा ये अच्छी तरीके से भून के तैयार हो जाएगा। तो ये रेडी है, आप देख सकते हैं कितनी झटपट तरीके से और इतनी आसानी से ये रेसिपी बन गई है। और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है, आप एक बार इस तरीके से सिंपल वे से ट्राई करके देखिए, ये बहुत ही अच्छी बनती है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। इसके बाद मैंने हल्की सी धनिया पत्ती से गार्निशिंग कर दी है, आप अगर चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।